हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है ये फाइव मार्क्स में आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ठीक है माइक्रोबायोलॉजी में तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोटीन इन नेचर होता है ठीक है सबसे पहले देखो एक्सोटॉक्सिन जो है वो अपने आ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव मेनली एग्जोटॉक्सिन रिलीज करते हैं ठीक और एंडोटॉक्सिन कौन रिलीज करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है पहली चीज़ ये याद रखेंगे उसके बाद जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो प्रोटीन इन होता है हीट लेबाइल होता है ठीक है और हाईली एंटीजेनिक होता है एग्जोटॉक्सिन क्योंकि ब्लड में आता है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है हाईली एंटीजेनिक होता है ठीक एंड कैन भी कन्वर्टेड इन टू टॉक्सॉइड इसको टॉक्सॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर मेकिंग वैक्सीन ठीक है तो फॉर कन्वर्जन ऑफ एंडोटॉक्सिन इंटू टॉक्सॉइड वी रिक्वायर फॉर्मल ठीक है तो इट कैन बी कन्वर्टेड into टॉक्सॉइड फिर एन्जाइमिक इन एक्शन ये एनजाइमिक इन एक्शन होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टिश्यू के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेटनस का जो टॉक्सिन है वो हाईली स्पेसिफिक है सी एन एस के लिए ठीक उसके बाद दे डू नॉट प्रोड्यूस फीवर इन होस्ट यूजअली कोई फीवर प्रोड्यूस नहीं करते ठीक है बहुत ज़्यादा हाई में रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है तो ये होता है एक्सोटॉक्सिन के बारे में इतना सब लिखेंगे ठीक है फिर एंडोटॉक्सिन क्या होता है ये लाइपोपोलीसेराइड इन नेचर होते हैं हीट स्टेबल होते हैं ये ये हीट लबायल थे पर ये एंडोटॉक्सिन जो है वो हीट स्टेबल होते हैं ठीक है थीके? हीटिंग से मरेंगे नहीं तो हीट स्टेबल हैं वीकली एंटीजेनिक है ठीक है बॉडी में जाके एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं बनेगी इसके अगेंस्ट एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट ठीक है तो वीकली एंटीजेनिक है एंड इट कैन नॉट बी टॉक्सॉइडेड इसको टॉक्सॉइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इसका नो एन्जाइमिक एक्शन है ठीक है और फिर इसमें लिखा है नॉन स्पेसिफिक है ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके अटैक करेंगे एंडोटॉक्सिन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है और एंडोटॉक्सिन यूजुअली प्रोड्यूसेस फीवर ठीक और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं एंडोटॉक्सिन को यूजुअली और लो पोटेंसी में रिक्वायर्ड होती है लो पोटेंसी भी रिक्वायर्ड uh, है कोई भी डिजीज़ कॉज करने के लिए ठीक है अब uh, तो यही है एग्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है ये एग्जोटॉक्सिन इज प्रोटीन इन नेचर एंडो इज लाइपोपोलीसेक्राइड इन नेचर एग्जो हीट लबाइल है फिर ये हीट स्टेबल है ये हाईली एंटीजेनिक है ये वीकली एंटीजेनिक है ठीक है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू टॉक्साइड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू टॉक्साइड ये एनजाइमिक इन एक्शन है ये नॉन एन्जाइमिक इन एक्शन है ठीक है ये हाईली स्पेसिफिक है पर्टिकुलर टिश्यू के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटनेस का टॉक्सिन फॉर सी एन एस ये नॉन स्पेसिफिक है इसका इट यूजली डज नॉट प्रोड्यूस फीवर दिस प्रोड्यूस फीवर ठीक है मेनली बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना स्टेप्टोकोकस टफाइलोकोकस ये सब सिक्रीट करता है ना और एंडोटॉक्सिन्स कौन मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपनी निजेरिया वगैरह ठीक है और ठीक है इकोलाय शेला ये सब उसके बाद फिर ये वेरी हाई पोटेंसी रिक्वायर्ड होती है इसमें लो पोटेंसी अब इसमें लिखा है कुछ टॉक्सॉइड जो है दे लैक्स टॉक्सिसिटी है ना टॉक्सॉइड कैन बी यूजड एज अ वैक्सीन तो टॉक्सॉइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मल डिहाइड वगैरह यूज करके ठीक है तो टॉक्सॉइड का मतलब होता है उसने अपनी टॉक्सिसिटी कम कर दी पर एंटीजेनिसिटी उसमें अभी भी प्रेजेंट है ठीक है तो टॉक्सॉइड लैक्स टॉक्सिसिटी बट रिमेन एंटीजेनिसिटी ठीक है एंड दस इट इज प्रोटेक्टिव दस इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी एंड वेन यूज एज वैक्सीन ठीक है वैक्सीन की तरह यूज करते हैं एक्जोटॉक्सिन जो है उसका एग्जाम्पल है बॉट्यूलिनम ठीक है इट इज द मोस्ट पॉइजनस एग्जोटॉक्सिन टॉक्सिनस बॉट्यूलिनम ठीक है और यहां पे क्या लिखा है एंडोटॉक्सिक uh, जो है वो फीवर यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं ना तो एंडोटॉक्सिक शॉक में क्या होता है फीवर ल्यूकोपीनिया हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है बीपी कम हो जाती है अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ठीक है और ये हीट स्टेबल है तो इसको ऑटोक्लेविंग से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एंडोटॉक्सिन को ठीक है दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाई ऑटोक्लेविंग ठीक और एंडोटॉक्सिन करते क्या है ब्लड के अंदर जाके दे मेनली अटैक न्यूट्रोफिल्स और उसकी कीमोटैक्टिक फैक्ट जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं एंडोटॉक्सिन जो होते हैं दे डिक्रीज़ेस द कीमोटैक्टिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूट्रोफिल्स ठीक है तो ये एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में डिफरेंस इतना लिखना है